आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए सभी आईपीएल टीमें अब अपने अपने स्क्वाड को बिल्ड करने में लगी हुई हैं, जहां पर इस बार आईपीएल की नीलामी होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आईपीएल टीम का किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें आईपीएल 2023 के लिए देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऐसे में आईपीएल के अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन उन महीनों से पहले ही बहुत सारे आईपीएल टीमों के बहुत सारे प्लेयर्स हमें ऑलरेडी आईपीएल से बाहर होते हुए देखने को मिले हैं, और इसके बाद इन सभी आईपीएल टीमों को बहुत ही तगड़ा झटका लग चुका है। इन प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की साइड से पैट कमिंस और उनके साथ ही एलेक्स हेल्स का नाम निकल कर आता है। दरअसल पैट कमिंस ने इंटरनेशनल ड्यूटीज की वजह से और एलेक्स हेल्स ने भी अपने इंग्लैंड की इंटरनेशनल ड्यूटीज की वजह से इस साल आईपीएल में आने से इनकार कर दिया है। इनके बाद इस लिस्ट में आगे आते हैं एरन फिंच, जो कि इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एज अ रिप्लेसमेंट शामिल किए गए थे। खैर, फिंच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ये तो पता ही था कि इस बार कोई भी इनके ऊपर बिडिंग करने ही नहीं वाला, तो इस बेइज्जती से बचने के लिए एरन फिंच ने खुद ही इस बार आईपीएल में अपना नाम नहीं देने का फैसला किया है। इनके बाद इस लिस्ट में आते हैं मिचेल स्टार्क, जो कि आईपीएल को लेकर हमेशा हाना हाना करते हैं, लेकिन इस बार भी मिचेल स्टार्क ने अपने नाम को पुल आउट कर लिया है। और आखिरी नंबर पर आरसीबी की साइड से ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिनको अभी तक पूरी तरीके से बाहर करार नहीं दिया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैक्सवेल भी इस आईपीएल का काफी हिस्सा स्किप करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।